कि भारत से भी अब स्टडीज आ रही हैं कि टीके लगने के बाद प्रोटेक्शन कितनी हो जाती है। तो एक दो स्टडीज आई हैं हेल्थ केयर वर्कर्स पे, दो स्टडीज मेरे सामने हैं अभी, उसकी समरी सिर्फ बताना चाहूँगा। हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप है, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं जहाँ कोरोना के मरीज होते हैं, आईसीयू के अंदर, कोरोना वार्ड के अंदर, चाहे आप जितनी मर्जी पेशेंट। स्टडीज ये दिखाती हैं कि वैक्सीन लग जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत का जो चांस है वो 75-80% कम हो जाता है। इन्फेक्शन हो भी जाए, डोज लगने के बाद इन्फेक्शन हो भी जाए, तो ये नौबत आए कि हॉस्पिटलाइजेशन है, वो चांस 20-22% रह जाता है, जो डेटा के हिसाब से। ऑक्सीजन की ज़रूरत सिर्फ 8% की ही पॉसिबिलिटी रहती है, इमेजिन 8%। जिनको नहीं मिला उनको 100, तो इनको सिर्फ 8, इतना फर्क है। और उससे सीरियस आईसीयू एडमिशन है, ये डेटा मेरे सामने दिखाता है कि आईसीयू एडमिशन में 6% रिस्क रह जाता है, प्रोटेक्शन 94% हो जाती है। एक बहुत पावरफुल डेटा है, रीजनेबल साइज स्टडीज हैं, और क्योंकि उस ग्रुप में करी गई जहाँ की इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा रिस्क है, इसको हमें लॉजिक रैशनल करने के लिए हमें क्लियरली मैं कहूँगा कि आप इसको इस्तेमाल